हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना साइटेक विजन यूट्यूब हिंदी चैनल। मैं हूं संजय, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, संबलन देख करके आप लोगों को पता ही लग गया होगा कि आज हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, एक्चुअली बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, बार बार काफी दिनों से कमेंट आ रहे हैं कि अगर हम लोग कोई होटल बुक करना चाहें, जैसे मान लीजिए अगर हम गर्लफ्रेंड के साथ होटल बुक करना चाहें, यानी कि कपल्स अगर जाकर के होटल्स को बुक करते हैं, तो काफी सारे टेंशन और उससे पहले काफी सारे सवाल मन में आते हैं कि क्या अगर हम होटल बुक करने जाते हैं तो कितने सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कितने सारे क्वेश्चंस उससे पूछे जाएंगे कि क्या हमारी ही आईडी लगेगी, कि क्या सिर्फ उसी की आईडी लगेगी, या फिर अगर हम किसी गर्ल्स के साथ जाते हैं या फिर फैमिलीज के साथ जाते हैं तो क्या चार्जेस बढ़ा करके वो लोग बोलते हैं या ज्यादा चार्जेस लगेंगे। तरह तरह के बहुत सारे जो है सवाल मन में आते हैं। तो ये सभी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस के लिए ही ये मैंने वीडियो बनाया है। इसके अंदर हम लोग जानेंगे कि अगर आप जो है आप किसी गर्ल्स के साथ जाते हैं, यानी कि कपल्स अगर जाते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप अनमैरिज हैं तो कौन से होटल में आपको परमिशन मिलेगी, कौन से होटल्स में परमिशन नहीं मिलेगी, ये पहले ही जानना जरूरी है। नहीं तो अगर आप चले जाते हैं तो वहाँ पर इंसल्ट का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए पहले ही ये निर्धारित होना चाहिए कि आप जिस होटल्स के अंदर आप होटल्स बुक करने जा रहे हैं, कमरा बुक करने जा रहे हैं, तो या वहां पर कपल्स अलाउ है, या फिर अगर आप जो है फैमिली के साथ जा रहे हैं कहीं पर भी, तो वहां के एक्चुअल चार्जेस क्या है, इन सभी के बारे में जानना जरूरी है। तो इसे प्रॉपर तरीके समझने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, और कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मास्टर बनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब होते ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपलोडिंग इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं और बात करते हैं इस बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि अगर आप कपल्स जाते हैं और रूम बुक करना है तो वहां पर हम कैसे बुक करें ताकि किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, हमें पहले ही कैसे निर्धारित हो कि हमें कौन से होटल में जाना है। तो इस सभी के बारे में हम प्रॉपर तरीके से बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि कभी भी आप होटल बुक करें तो आप ऑफलाइन किसी होटल में जाकर के बुक ना करें, यानी किसी होटल में जाकर के आप होटल बुक करने की कोशिश ना करें। तरह तरह के आईडीज वगैरह और तरह तरह के सवाल, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको देखने के बाद, और अगर आप कपल्स जा रहे हैं और अगर अनमैरिड हैं, तो वहां पर जो है बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं और आपसे जो है बहुत ज्यादा चार्ज किया जाता है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए आप जो है कभी भी होटल को ऑनलाइन बुक करें, चाहे सेम डे बुक करना हो आपको या है एडवांस में बुक करना हो। अगर आप सेम डे भी अगर आप जो है ऑनलाइन बुक करते हैं तो आपको किसी भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ऑनलाइन होटल बुक करने के लिए एक बेहतरीन साइट कि हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, और वो साइट है, आप किसी भी ब्राउजर में जाने के बाद जो है आप सर्च करें www.ibo.com। एक गुड़गांव की कंपनी है जो काफ़ी फेथफुल कंपनी है, और बहुत बार मैं इससे जो है होटल बुक करके मैं कई जगह जो है स्टे लिया हूँ। काफ़ी बेहतर जो है इसका वर्क है, काफ़ी फेथ रहता है इस पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो अगर कपल्स के साथ भी अगर होटल बुक कर रहे हैं तो जब आप वहाँ पर जाएंगे तो किसी भी प्रकार की कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं होती है, कोई भी इंक्वायरीज आपकी नहीं होगी। आप सिर्फ अपना नाम बताएं और ये बोलें कि हमने एक होटल बुक कराया हुआ है, और जिस नाम से भी आपने होटल बुक किया हुआ है आप जो है वो नाम बताएं, और उस नाम की एक आईडी आप दें, और इसके अलावा आपसे कोई भी सवाल नहीं पूछा जाएगा और होटल का रूम जो है आपको हैंडओवर कर दिया जाएगा। किसी भी प्रकार की बिल्कुल जो है इंक्वायरीज नहीं होती है। तो यहां पर आने के बाद यहां पर किसी पर भी जो है, जैसे यहां से बुक होटल्स पर भी कर सकते हैं या फिर बुक फ्लाइट्स पर भी कर सकते हैं, किसी पर भी करेंगे तो यहां पर एक नया टैब खुल करके आएगा, और यहां पर आपको जो है सारी बुकिंग्स के लिए ऑप्शंस यहां पर मिल जाते हैं। जैसे फ्लाइट्स पर हमने किया था तो फ्लाइट्स पे आया हुआ है, लेकिन उसके बाद यहां पर होटल्स आ जाता है, और यहां पर जो है बस वगैरह, ट्रेन्स वगैरह, कार्स वगैरह, यानी कि कुछ भी आप इसके माध्यम से बुक कर सकते हैं। तो यहां पर कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होती, ट्रेन भी इसके माध्यम से बुक कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। बट इसके अंदर हम लोग होटल्स के बारे में बात करने वाले हैं, नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे ट्रेन्स वगैरह के बारे में, क्योंकि काफी सारे जो है कमेंट्स आ रहे हैं ट्रेन बुकिंग के लिए भी, तो हम ट्रेन बुकिंग के लिए बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो अभी फिलहाल हम लोग बात करेंगे होटल के बारे में। तो यहां पर आप होटल्स पे सेलेक्ट करें, यहां पर होटल्स पे जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस खुल करके आता है, और उसके बाद यहां पर एरिया आपको या फिर सिटी नेम देना होता है, यानी कि जहां आपको जाना है। तो मान लीजिए यहां पर हम लखनऊ सेलेक्ट करते हैं, यानी यूसी, जैसे ही आप थोड़ा सा सेलेक्ट करेंगे LUC के तो नीचे उसका जो है आइडियाज आ जाते हैं। तो हम यहां पर नीचे लखनऊ को सेलेक्ट करने के बाद हम इंटर करते हैं, और इस तरीके से जो है लखनऊ
कि जितने भी होटल्स हैं वो यहाँ पर जो है आ जाते हैं, इस तरीके से आपके सामने नज़र आने लगेगा। और उसके बाद जो है यहाँ पर जो सबसे ऊपर है ये यहाँ पर आपको मिलता है डेट्स, यानी कि किस डेट के लिए आपको होटल्स बुक करना है। तो यहाँ पर मान लीजिए जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्टार्टिंग मान लीजिए आपको किस दिन जाना है, जैसे कि मान लीजिए आज जो है आज 11th डेट है, तो 11 में जो है 11 यहाँ पर रेड दिखा रहा है, उसके बाद 12, 13, 14, तो आप इसके अंदर जिस भी डेट को आप करना चाहते हैं उस डेट को आप कर सकते हैं। तो चूंकि यहाँ पर 14 ले रहा है तो हम 14 को ही रखते हैं। और उसके बाद चेकआउट, यानी कि फिर आपको चेकआउट किस दिन लेना है, यानी किस दिन आपको होटल छोड़ना है, तो 15 को छोड़ना यहाँ पर दिखा रहा है। अगर दो दिन रुकना है तो आप अगला कोई भी डेट ले सकते हैं, तो फिलहाल हम यही डेट रहने देते हैं। और उसके बाद जो यहाँ पर दे रहा है आप 2 guest 1 room के लिए दे रहा है, तो आप यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है 1 room के जगह पर अगर 2 room चाहिए तो 2 room यहाँ पर ले सकते हैं, तो फिलहाल हमें 1 room ही चाहिए। और अगर एडल्ट 2 हैं, मान लीजिए अगर कपल्स के साथ जाते हैं तो यहाँ पर एडल्ट 2 लिखना होगा, और अगर साथ में फैमिली के साथ जाते हैं तो कितने फैमिली है, और चिल्ड्रन साथ में है तो यहाँ पर आपको चिल्ड्रन भी लेना होगा। इस तरीके से आपको जो है यहाँ पर लेना होता है कि आपको 1 room चाहिए तो 1 room लीजिए, और 2 room चाहिए तो 2 room ले लीजिए, और कितने लोगों के साथ जा रहे हैं यानी कि 2 adult हैं, तो फिलहाल अगर हम कपल्स के लिए ले रहे हैं तो 2 adult पर हम लोग क्लिक करेंगे और 2 adult के लिए हम इसको बुक करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर ऑल होटल्स यहाँ पर नीचे दिखाएगा, तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि कौन सा होटल कपल के लिए अलाउ है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर है तीसरे नंबर पर जो ऑप्शन है वो है कपल फ्रेंडली, तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो उन्हीं होटल्स के बारे में ये दिखाएगा जिन होटल्स के अंदर कपल फ्रेंडली यानी कपल्स को ले जाना अलाउ है। जनरली अगर ऑल पे आप क्लिक करके और देख लेते हैं तो बहुत सारे ऐसे होटल्स ऐसे होते हैं जिनमें कपल्स अलाउड नहीं होता, यानी कि अनमैरिड कपल्स अलाउड नहीं होते हैं। तो अगर आप अनमैरिड हैं तो उन होटल्स में जाएंगे तो वहां पर जो है आपको होटल का रूम नहीं मिलेगा और हो सकता है आपको इंसल्ट का सामना करना पड़े। तो ऑलरेडी अगर आप मैरिड जा रहे हैं तो यहां पर कपल्स फ्रेंडली पर सेलेक्ट करें, और उसके बाद इनके अंदर जब जो जितने भी होटल्स दिखाएगा आपको वो सारे के सारे बिल्कुल कपल्स फ्रेंडली होंगे, और उनके अंदर जाकर के आप बिल्कुल इजीली जो है होटल ले सकते हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर आने के बाद कम से कम आप 3-star होटल को सेलेक्ट करें। जब ये स्टार्स बढ़ते हैं तो वहां पर सिक्योरिटी वगैरह से रिलेटेड जो है सुविधाएं बहुत ही ज्यादा मिलती हैं, तो यहां पर कम से कम जो है आप 3-star होटल को ही सेलेक्ट करें। उससे कम सेलेक्ट करेंगे तो वहां पर सिक्योरिटी वगैरह का थोड़ा सा सुविधाएं कम मिलती हैं आपको। तो जैसे कि आप यहां पर प्राइसेस वगैरह देख सकते हैं, यहां पर जो है 2-star में आपको ₹282 का मिल रहा है, 3-star के अंदर यहां पर ₹735 का, ये 3-star के अंदर ही ₹1313 का, इस तरीके से यानी कि ₹1200 के आसपास का अगर आप होटल लेते हैं तो आपको एक बेहतरीन सुविधा के हिसाब से आपको होटल मिल जाता है। तो इनके अंदर से यहां पर जो भी आपको होटल सही लगता है, मान लीजिए आपके बजट के हिसाब से वो होटल जो है यहां से आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे ओयो का ये कई सारे होटल हर जगह होता है, एक कंपनी टाइप की है, तो इसका भी होटल आप बुक कर सकते हैं। इसके अंदर फैसिलिटीज के अकॉर्डिंग जो है आपको अलग अलग जगह अलग अलग होटल्स मिलते हैं, तो इस तरीके से जो है आपको होटल मिल जाएगा। तो इसके अंदर से मान लीजिए होटल बाबा ये थोड़ा सा जो है काफ़ी सस्ता है, तो काफ़ी सस्ते में ना जाएं लॉज की तरह, तो 3-star में देखते हुए ₹1000 के आसपास में अगर कोई होटल आपको मिलता है, तो मान लीजिए ये एक होटल रहा होटल अर्जुन इंटरनेशनल, तो ये 790 रुपये के आसपास यानी 790 रुपये के आसपास का होटल है, तो आप इसको बुक कर सकते हैं, और ये 3-star होटल है। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसका साइड ओपन होगा और यहाँ पर रूम्स आपको दिखाई देंगे, यानी कि अगर इस होटल का टोटल अगर आप इमेजेस वगैरह देखना चाहते हैं तो वो आप यहां से देख सकते हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसके सारे इमेज खुल करके आएगा, और यहां पर जब आप होटल बुक करने के लिए जब होटल में जाएंगे तो यहां पर ये रिसेप्शन आपको इस तरीके से दिखाएगा, ये बिल्कुल एक्चुअल इमेजेस वगैरह है, यानी कि होटल की पूरी इंफॉर्मेशन आपको जो है ऑनलाइन ही मिल जाती है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो यहां से रूम लॉबी यानी कि रूम की गैलरी होगी जहां से आपको रूम में जाना होगा इस तरीके से, और उसके बाद ये जो है रूम लॉबी दूसरी, और इस तरीके से जितनी भी लॉबीज वगैरह होंगी वो सारा का सारा दिखाएगा, और ये प्रिविलेज रूम है, इस तरीके से रूम आपको नजर आएगा, यानी कि कितना खूबसूरत रूम है, ये अलग अलग रूम के अंदर की तस्वीरें हैं, ये सारा का सारा आपको दिखाएगा, और इस तरीके से आपको रूम मिलता है। तो एक बहुत ही प्यारा बहुत ही खूबसूरत रूम जो है ये जो है आपका बाथरूम है,
इस तरीके से जो मिलेगा, जो काफ़ी खूबसूरत है। तो ये जो भी आपको रूम मिलने वाला है, इस तरीके से आप उसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से देख पाएंगे। सारी की सारी सुविधाएं आपको रूम के अंदर मिल जाती हैं इस तरीके से। और ये जो है आपका ये रेस्टोरेंट है वहाँ का, आप यानी कि बाहर निकल कर भी नाश्ता पानी करना चाहते हैं तो ये सारा कुछ मिलेगा। ये रिसेप्शन है, बैठने वगैरह की सुविधाएं वहाँ की। तो यानी कि होटल्स के अंदर जितनी भी सुविधाएं आपको मिलेंगी, रूम्स से लेकर के लॉबीज वगैरह, गैलरीज वगैरह, ये तो ये सारी की सारी इमेजेस जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। नाइट में यानी कि अंधेरे में इस तरीके का रूम आपको दिखेगा। तो ये सारी की सारी जो है आप इस तरीके से देख सकते हैं, खूबसूरत फैसिलिटीज आपको मिल जाती है। उसके बाद जो जब आप इसको क्लोज करेंगे तो फिर दोबारा आ जाएंगे यहाँ पर इस तरीके से, और नीचे आएंगे तो और भी सारे होटल्स आपको देखने को मिल जाएंगे इस तरीके से आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूंगा कि आपको इसका जो है गो IBIBO का जो है ऐप भी है एंड्रॉयड में, जो प्ले स्टोर में आप जो है इसका ऐप भी ले सकते हैं। ऐप अपने एंड्रॉयड फोन में इंस्टॉल करने के बाद भी जो है आप इससे जो है होटल बुक कर सकते हैं, और प्रॉपर तरीके से बिल्कुल ऐसे ही जो है बुक आप जो है अपने ऐप से भी कर पाएंगे, बिल्कुल सेम प्रोसेस होता है। तो यहां से अगर मान लीजिए ये होटल आपको सही लगा तो आप यहां पर बुक नाउ पर यहां से जो है आप देख सकते हैं, एक बार दोबारा भी आप यहां से डेट वगैरह फिक्स कर सकते हैं और यहां से कितने लोग जाना है वो फिक्स कर सकते हैं। यहां पर आपको ये भी दिखाएगा आप डिलेक्स रूम ले रहे हैं, और उसके बाद बुक नाउ पर क्लिक करेंगे तो जैसे कि ये जितने भी रूम आप लोगों ने देखा, जो इमेजेस देखा, जब आप यहां पर ऑफलाइन बुक करने के लिए जब जाएंगे आप, तो वहां पर आपसे बहुत ज्यादा चार्जेस ले लिया जाता है होटल्स को दिखा करके, रूम को दिखा करके। लेकिन जब आप ऑनलाइन बुक करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की कोई टेंशन का सामना नहीं करना होता है, डायरेक्ट डिस्काउंट पर आपको जो है वो रूम मिल जाता है। तो यहां पर जो है कंप्लीटली आपको डिटेल्स मिल जाता है। रूम चार्जेस जो एक्चुअल उसका है वो है 1513 रुपए, और गो IBIBO से जो डिस्काउंट मिला है वो आपको मिला है 424 रुपए का, और गो कैश से जो मिला है आपको माइनस जो हुआ है वो मिला है 300 रुपए का, यानी कि टोटल आपको 789 रुपए का वो होटल पड़ रहा है। उसके बाद जो है इसके ऊपर जो GST लगेगा वो आपको लगेगा 182 रुपए का, उसके बाद जो है कन्वीनियंस फी जो लगेगा 85 रुपए, और उसके बाद जो टैक्सेस वगैरह लगेगा 267 रुपए। तो ये टोटल लग करके आपको मात्र 1056 रुपए का ये जो है होटल आपको मिलता है। तो यानी कि 1000 रुपए के आसपास का ये होटल आपको पड़ा, जिसके अंदर आप एक बेहतरीन होटल आप बुक कर पा रहे हैं। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, और ये सब आप रहने दें अगर पहली बार करें, कूपन्स वगैरह के लिए होता है। और उसके नीचे जो है आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो है अपना नाम, यहाँ पर मिस्टर या मिसेज जो भी आप लगाना चाहते हैं वो लगाने के बाद अपना नाम देंगे, फर्स्ट नेम एंड सेकेंड नेम, और यहाँ पर आपको देना होगा पर्सनल बुक कर रहे हैं या फिर बिजनेस के लिए बुक कर रहे हैं। तो बिजनेस के लिए काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज आपको पूरा करना पड़ जाएगा, तो आप पर्सनली बुक कर रहे हैं तो काफ़ी ईजी होगा। तो चूंकि कपल्स पर्सनली ही बुक करते हैं तो कपल्स के लिए हम बात कर रहे हैं। और उसके नीचे यहाँ पर आपको ईमेल आईडी देना होगा, जो भी ईमेल आईडी देना चाहते हैं आप वो आईडी दे सकते हैं। और उसके नीचे जो है आपको फ़ोन नंबर देना जरूरी होगा, ताकि किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो फ़ोन आपको कॉल्स भी आएंगे तो आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं होगी। उसके नीचे जो है वो आपको मिलेगा यहाँ पर, यानी कि एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ चेक इन, यानी कि वहां पर होटल पहुंचने का टाइम, संभावित टाइम आपको बताना होगा। जैसे वैसे तो जो है 12 बजे के बाद आपको जो है आपका रूम कंप्लीट मिलेगा, लेकिन अगर आप यहां पर टाइम अगर आपको क्लियर है कि आप इतने बजे तक पहुंचेंगे तो आप दे सकते हैं, अन्यथा जो है आई डोंट नो पर ही रहने दें। और यहां पर जो है स्पेशल रिक्वायरमेंट, अगर आपकी कोई होटल से स्पेशल रिक्वायरमेंट है तो वो आप यहां पर मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो फिर उसके बाद जो है यहाँ पर सब कुछ कंप्लीट करने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। यानी कि सिर्फ आप जो बुक कर रहे हैं आप ही का नाम होगा, सेकंड आप किसको लेकर के जा रहे हैं उसका कोई डिटेल्स यहाँ पर भरने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद जो है यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर क्रेडिट नंबर, क्रेडिट कार्ड का जो नंबर होता है वो नंबर डालें, क्रेडिट या डेबिट जो भी आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं आपको किससे पेमेंट करना है। तो अगर क्रेडिट या डेबिट है तो आप इस पर सेलेक्ट करें, और यहां पर अगर ATM से यानी कि डेबिट कार्ड से अगर आप बुक करना चाहते हैं तो यहां पर कार्ड नंबर डालेंगे, उसके बाद यहां पर एक्सपायरी नंबर, यहां पर CVV नंबर, जो 3 अंक का नंबर होता है वो आप लोग जानते ही होंगे, हर ATM कार्ड के लास्ट में होता है CVV नंबर, और कार्ड पर किसका नाम है यानी कार्ड होल्डर्स का नाम डाल दें, और उसके बाद जो है पे श्योरली पे कर दें। तो जो पेमेंट करने का तरीका होता है बिल्कुल वही होता है जैसे कि आप जो है अमेजोन वगैरह से मटेरियल खरीदते हैं, इसके आगे हम लोग नहीं जाएंगे। तो यहां से आप बिल्कुल इजीली जो है आप जो है अपने ATM कार्ड से पेमेंट कर देंगे और आपका होटल बुक हो जाएगा, और आपका जो फोन नंबर है
फोन पर भी मैसेज आएगा क्लियरेंस का, और जो ईमेल आईडी आपने डाला है ईमेल पर भी जो है मैसेज जाएगा। ये मैसेज लेकर के आपको जाना होगा होटल में, ये मैसेज आपको दिखाना होगा, जो होटल बुकिंग का कंफर्मेशन मैसेज आएगा और आपको अपनी एक आईडी देनी होगी। उसके बाद जो है आपका अपना रूम जो है मिल जाएगा बिल्कुल इजीली, और दूसरी कोई भी इंक्वायरीज नहीं होती है, कोई भी नहीं पूछा जाएगा कि आप किसके साथ आए हैं और ये कौन है आपके साथ में। तो इस तरीके से आप बिल्कुल इजीली जो है आप होटल बुक कर सकते हैं, फैमिली के साथ जाएं या फिर किसी के साथ। सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जब आप ऑफलाइन बुक करते हैं तो वहां पर रेट हमेशा ऊपर नीचे बताया जाता है, वहां पर बार्गेनिंग होती है, लेकिन यहां पर अगर ऑनलाइन बुक करते हैं तो आपको ऑफर के साथ बिल्कुल एक्चुअल जो है उस होटल का रेंट प्राइस देना होता है, किसी भी प्रकार का ऊपर से कोई भी चार्जेस नहीं लगता। तो इस तरीके से दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के जितने भी क्वेरीज थे कंप्लीट हो चुके होंगे, आपको समझ में आ गया होगा कि ऑनलाइन आप होटल कैसे बुक करेंगे और किस तरीके से आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में बताएं, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों बार बार इस चैनल पर आकर के बार बार वीडियोस को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो दोस्तों इस वीडियो में अभी तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।